शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल ही धोखा दें तो इसे आप क्या कहेंगे? जहां सिखाया जाता है कि धोखा देना गलत बात है, तो सिखाने वाले खुद धोखा तो दे तो क्या कहा जाए? हिलगना स्थित राइजिंग कॉन्वेंट स्कूल के संचालक यही कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल की मान्यता केवल 10वीं तक है, लेकिन यहाँ पर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाकायदा इसके लिए बोर्ड तैयार किया गया है और इसके इश्तिहार तैयार किए गए हैं, जहाँ लिखा है कि यह स्कूल नर्सरी से 12वीं तक है, जिसे AB रोड पर लगाया गया है, जिससे इनके पास से ज़्यादा ग्राहक रूपी बच्चे आए। जब हम इसकी पड़ताल करने पहुंचे तो स्कूल में प्रिंसिपल मौजूद नहीं थी, साथ ही साथ स्कूल के डायरेक्टर सीमा पलिया भी स्कूल में मौजूद नहीं थी। जब हमने वहां पर कार्यरत कर्मचारी से स्कूल के संचालक के बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर हमें रोक लिया कि कुछ समय में ही आ रहे हैं। इसके बाद जब संचालक, जो कि एक महिला है, वह नहीं आई, उनकी जगह पर कोई पुरुष वहां पर आए और हमसे बात करने लगे। हालांकि उनकी पूरी बात हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें उन्होंने माना कि स्कूल में 12वीं तक कक्षाएं लगती हैं। वो अपन जो सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 10 तक की परमिशन है, परमिशन नो डाउट जिसके पास होगी एग्जामिनेशन वही कॉन्टेक्ट करा पाएगा। उस स्कूल से हम लोग कनेक्टिविटी रखते हैं, वहां से हम लोग उनके फॉर्म भरवाते हैं, या केवल कोचिंग रहती है, टाइम ड्यूरेबिलिटी वही रहती है जो स्कूल की। लेकिन जब हमने उनसे कैमरे के सामने बात करने को कहा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिसेप्शन के बाहर बकायदा एक लिस्ट भी चिपका रखी है, जिस पर लिखा गया है कौन सी कक्षा की किताब कितने की ड्रेस कितनी होगी। जब हमने उक्त व्यक्ति से बात की तो उन्होंने हमारे किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा दबंगई दिखाने लगे। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम स्कूल की बिल्डिंग का फोटो ले रही थी उस समय भी उक्त व्यक्ति भड़क गए और हमारे कैमरामैन पर हमला करने की नीयत से दौड़ आए, जिसकी वीडियो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मतलब यूं कहा जाए कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उक्त व्यक्ति ने हम हर तरह को डराने और धमकाने की कोशिश की। गलत चीज मत करना, गलत हरकत नहीं। नहीं नहीं, आप डिलीट करो। नहीं, हमें तो आप डिलीट करो, आप डिलीट करो। नहीं नहीं, आप डिलीट करो ब्रदर। गलत चीज मत करना, गलत हरकत नहीं। नहीं नहीं, आप डिलीट करो। नहीं, हमें तो आप डिलीट करो, आप डिलीट करो। नहीं नहीं, आप डिलीट करो ब्रदर। इसके बाद हमने शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल में जो व्यक्ति हमने मिला था उसमें साफ तौर पर यह कह दिया कि खबर प्रकाशित करने या जांच में कुछ भी नहीं होगा, हर चीज की एक कीमत होती है जो वह देकर स्कूल की जांच को शिथिल करवा देगा। अब ये तो आपने ये मेरे ध्यान में संज्ञान में लाया है, एक बार मैं देखूंगा वास्तव में वहाँ कहाँ तक क्लास चल रही है और कौन उसका संचालक है, उसके धरातल की स्थिति को देख करके ही मैं आपको सही स्थिति बता पाऊंगा। लेकिन आपने चूंकि ये चीज़ लाई है सामने, तो देखते हैं वास्तव में वहाँ पर मान्यता कहाँ तक की है और प्लस वो कहाँ तक क्लास चला। बिल्कुल नहीं, ये तो अब आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है। आपने ध्यान में लाया, मैं तो अभी आया हूँ 19 के पहले तो मैं गुना में था नहीं, गुना के बारे में जानकारी नहीं है। 19 मार्च के बाद आया हूँ मैं, तो अब जो चीज़ें सामने धीरे धीरे आ रही हैं कहीं, तो वो जरूर मैं दिखवा रहा हूँ आपका, इसलिए आप बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं करना कि कोई। देखने लायक होगा कि उक्त व्यक्ति स्कूल की जांच को कितना पैसा देकर प्रभावित कर सकता है, या फिर शिक्षा अधिकारी बिना किसी भेदभाव के स्कूल पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस स्कूल ने पोर्टल पर जो सूचना स्कूल के स्टाफ के बारे में दी गई है वह भी गलत है, यह सब जांच का विषय है। गलत चीज मत करना, गलत हरकत नहीं। नहीं नहीं, आप डिलीट करो। नहीं, हमें तो आप डिलीट करो, आप डिलीट करो। नहीं नहीं, आप डिलीट करो ब्रदर।